सो हे गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो गाइज फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग शेक इफेक्ट स्टेटस वीडियो लेके आ गया हूँ सैड सॉन्ग के ऊपर। तो गाइज आज की इस वीडियो हम कुछ इसी तरह का स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइज अगर आप भी अपनी फोटोज लगाकर कुछ इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग शेक इफेक्ट गाइज स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस लेटेस्ट वर्जन अलाइट मोशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे गाइज मैंने इस लेटेस्ट वर्जन अलाइट मोशन को पिन कर दिया है, यानी कि शेयर कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा अलाइट मोशन को। तो गाइज यहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बीटमार प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, देन आपको एक प्रीसेट इफेक्ट का लिंक मिल जाएगा और दोनों को गाइज आपकी एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगी, यानी कि गाइज दोनों का एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगा और दोनों का प्रीसेट भी मिल जाएगा। तो जिसको भी आपको इंपोर्ट करना है गाइज इंपोर्ट कर सकते हो अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर बीट मार्क प्रोजेक्ट के लिंक पर क्लिक करके कोई भी ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना। यह रीडायरेक्ट कर देगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो यहां पर आपको इंपोर्ट की ऑप्शन में अब क्लिक कर लेना होगा। ओके, जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइज आपको सॉन्ग मिल जाएगा और बीट मार्क देखने को मिल जाएगा। अगर गाइज आप सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे चले जाना। टेलीग्राम पे मैं गाइज इस सॉन्ग को भी शेयर कर दिया हूँ, तो सिंपली आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइज सबसे पहले तो अब यहाँ पर अपनी फोटोज़ को ऐड करना होगा। तो स्टार्टिंग में आके प्लस पे आके मीडिया के ऑप्शन में आ जाना होगा। देन गाइज यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में जाना होगा और गैलरी से गाइज यहां से एक इमेज को ऐड कर लेना होगा। ओके, तो यहां से मैं ऐड कर लेता हूं। फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके और मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके अपनी इमेज को फुल स्क्रीन कर लेना, देन बैक हो जाना। और यहां से गाइज जहां तक इसके बीट मार्क है 9 सेकंड तक फर्स्ट फोटो की, तो यहां तक इसकी ड्यूरेशन को कर देना इस पर क्लिक करके। ओके, फिर प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके नेक्स्ट गाइज यहां पर इमेज को ऐड कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना और इसको भी बीच में सेंटर में फिक्स कर लेना। फिर से इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना और यहां से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। फिर प्लस पे क्लिक करके गाइस मीडिया की ऑप्शन में आके आपको नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना। फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना और कुछ इस तरह से गाइस फुल स्क्रीन करने के बाद फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। फिर से गाइस यहां पे नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना, कुछ इस तरह से आपको इसको भी फुल स्क्रीन कर लेना होगा, इसकी फोटो की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना होगा। सो गाइज यहां पर स्टेप बाय स्टेप अपनी फोटोज को आपको ऐड करना होगा। जिस फोटो से अपनी स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो यहां पर गाइज मैंने कुछ इमेजेस को यहां पे ऐड कर दिया है। तो सिंपली आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे गाइज आपको अपनी फोटोज को ऐड कर लेना होगा वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर वीडियो की लास्ट तक। तो यहां पर देख सकते हो गाइज कि बीट थोड़ी सी ज्यादा है और अगर एक एक फोटो में यहां पर ऐड करूंगा तो वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले वीडियो को पॉज कर लेता हूं, यहां पर फोटोज को ऐड कर लेता हूं पहले इन सभी बीट मार्क के बीच में, फिर आपको बताता हूं कि इन फोटोज पे इफेक्ट को कैसे लगाना है। तो वीडियो गाइस को फुल एंड तक जरूर वॉच करते रहना। सो फाइनली गाइस यहां पर मैंने सभी फोटोज को ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको भी फोटोज को ऐड कर लेना होगा। और फोटोज को ऐड करने के बाद में गाइस आपको मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि एक प्रीसेट को भी इंपोर्ट करना होगा अलाइट मोशन में, तो यहां पर गाइस मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आके शेक इफेक्ट प्रीसेट में आ जाता हूं। ओके, तो गाइज कुछ इस तरह से आपको भी इंपोर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे ओपन करोगे इस प्रीसेट को तो फर्स्ट नंबर में कुछ इस तरह से मिल जाएगा, देन सेकंड नंबर में कुछ इस तरह से, देन थर्ड नंबर में कुछ इस तरह से, तीन प्रीसेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को जो है इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, देन बैक होकर अपना उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब फर्स्ट फोटोज को क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेना। गाइज इस पर इफेक्ट लग चुका है, अभी बैक होकर आप
आपको दोबारा उसी शेक इफेक्ट में आ जाना होगा। ओके सो गाइज, अब यहाँ पर सेकंड वाला देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड वाले को अभी हम नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देना है। ये थर्ड नंबर में जो आपको दिख रहा होगा इसको सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, देन बैक होकर अपना उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फोटो को छोड़ के फिर से सेकंड फोटोज को टैप कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट कर लेना। ठीक है, हमने फर्स्ट फोटो छोड़ा, सेकंड फोटो पे लगा दिया, फिर दो फोटो को छोड़ देना होगा, फिर से अगली जो फोटो होगा इसको क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेना होगा। दो फोटो छोड़ने के बाद में फिर से आगे की तरफ तीन फोटो छोड़ देना, जैसे कि 1, 2 और 3, तीन फोटो छोड़ने के बाद में फिर से गाइस यहां पर जो नेक्स्ट इमेज मिलेगा इसको क्लिक करके पेस्ट कर लेंगे, ये वाला इफेक्ट। फिर से गाइस यहां पर दो फोटोज को आपको छोड़ के ये वाली फोटो इसको क्लिक कर लेना और इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना, और लास्ट की जो तीन फोटो है उसको भी छोड़ देना होगा। ओके गाइस, अब आपको फिर से बैक होकर दोबारा प्रीसेट में आ जाना। अब जो सेकंड नंबर का जो प्रीसेट जिसे हमने छोड़ा था इसको टैप कर लेना, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, देन बैक होकर अपना उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं। ओके, अब जो भी फोटोज बच चुका होगा क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना, फिर से यहाँ पर हमने दो फोटो छोड़ा था तो इसको भी क्लिक कर लेंगे एक एक करके, और इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। ओके सो यहाँ पर फिर से हमने दो फोटो छोड़ दिया था तो इसको क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना होगा। दोनों का यहाँ पर हमने तीन फोटो छोड़ा था तो इसको भी क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना होगा। अब आगे हमने गाइस फिर से दो फोटो को छोड़ा था तो इसको भी क्लिक कर लेंगे, इफेक्ट में आके गाइस यहाँ पर थ्री डॉट पे आके पेस्ट कर लेना। फिर से गाइस यहाँ पर लास्ट में तीन फोटोज आपको देखने को मिल जाएगा, तीनों में भी आपको ये सेम ही इफेक्ट लगा देना होगा जो अभी हम गाइस यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने सभी फोटोज पर इफेक्ट को लगा दिया है। अब इफेक्ट को लगाने के बाद में अभी क्या करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में आकर प्लस पर क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाएंगे, देन गाइस यहां पर मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूं। ठीक है, अब गाइस यहां पर हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। अब गैलरी से गाइस यहां से मैं एक टेम्पलेट को ऐड करूंगा, तो गाइस यहां पर एक कलरफुल टेम्पलेट है तो सिंपली हम इस टेम्पलेट को गाइस ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्लिक कर लूंगा और ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद टेम्पलेट को क्लिक करके सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम को म्यूट कर लूंगा, देन गाइस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे। इस टेम्पलेट की ड्यूरेशन गाइस थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, यहां से ध्यान से देखना, इसको क्लिक कर लेना और ये प्लस की ऑप्शन में क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना, इसी टेम्पलेट पर क्लिक करके, फिर यहां पे इसी प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर लेना, ये टेम्पलेट आ जाएगा। फिर से गाइस इधर की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। ओके सो गाइस, अब फिर से आपको बैक होकर दोबारा उसी शेक इफेक्ट प्रीसेट में आ जाना होगा। अब यहाँ पर चार RGB इफेक्ट मिल जाएगा, चारों को सिलेक्ट करके प्लस पे आके कॉपी फोर लेयर कर लेना होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में आके प्लस पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना होगा। सो गाइस सबसे पहले तो इसकी म्यूजिक को मैं म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद में गाइस यहाँ पर मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ पर जो अब हमारी स्टेटस है बन के रेडी हो चुकी है, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह का स्टेटस आप भी बहुत आसानी से बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो फाइनली गाइज, अब आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो ये सेव की जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर लेना और एक्सपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लेना। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।